आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम किसी भी एक पॉइंट पर जहां पर हमने चार्ज रखा हुआ है से कैपिटल क्यू, हम नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। तो इसे हमने इलस्ट्रेट करने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने ओ पॉइंट पर इस क्यू चार्ज को रखा, ओके, जिस पर हमें नेट फोर्स निकालनी है। तो इसके सराउंडिंग्स में हमने लेट सपोज कुछ n चार्जेस लिए हैं, से Q1, Q2, Q3 एंड Qn। तो अगर O पॉइंट पर हमें नेट फोर्स निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कंसिडर कीजिए और यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाइए। डॉटेड लाइन हम क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम इस डॉटेड लाइन के अक्रॉस फोर्सेस की डायरेक्शन दिखा सकते हैं, बिकॉज दिस फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। तो सेंट्रल फोर्सेज हैं तो इन्हीं लाइन के अक्रॉस हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करना है। तो इस पॉइंट के लिए दिस इज Q1, दिस इज कैपिटल Q, दोनों पर क्या नेचर है? यू नो, सेम चार्जेस हैं, सेम नेचर है, तो ये क्या करेंगे? इसे रिपेल। तो इस केस में यहाँ पर क्या आएगा? फोर्स ऑन O ड्यू टू A टुवर्ड्स दिस साइड। सिमिलरली हेयर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज Q2, हेयर वी हैव फोर्स ऑन O ड्यू टू B। सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू C। सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू N। और जब भी हम इन फोर्सेस को ऐड करेंगे तो कभी भी एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करना, हमें वेक्टरली ऐड करना है। वेक्टरली कैसे ऐड करेंगे? जैसे हमने 11th क्लास में किया है इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन सब फोर्सेस को हम वेक्टरली ऐड करेंगे, जिसे अभी हम सीखेंगे कुछ 2-3 एग्जांपल से। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू O दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू A विद वेक्टर साइन प्लस FOB विद वेक्टर साइन प्लस FOC प्लस FOD। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसे और समझने के लिए लेट सपोज हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नाउ इन एग्जांपल 1, मान लीजिए हमने 3 चार्जेस ले रखे हैं Q, Q एंड Q, जिनके बीच में कितना डिस्टेंस है? A, ओके। अब इट मींस ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या बन रही है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मींस ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, ओके। नाउ एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके सराउंडिंग्स में कितने चार्जेस हैं? 2। मीन्स हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे? नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्शन शो करेंगे इस पॉइंट पर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 चार्जेस। तो अगर ए पॉइंट को लेकर चलें तो इस पॉइंट पर फोर्स क्या लग रही है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए टुवर्ड्स दिस साइड, एंड इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी टुवर्ड्स दिस साइड, राइट। एंड एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में? 60 डिग्री, ओके। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे एफ बी ए का, विच इज 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, विच इज 8² न्यूटन। एंड सिमिलरली एफ बी सी, विच इज 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय 8² न्यूटन। अब देखिए इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम, तो जस्ट कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं इसे एफ मान सकता हूं। तो इसी डायग्राम को अगर हम शुरू से ड्रॉ करें, सिर्फ इस पार्ट को, तो यानी कि इस पॉइंट पर विच इज बी, कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एफ एंड एफ, क्योंकि एफ बी ए और एफ बी सी को मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है? एफ। तो इस पॉइंट पर अगर हमें नेट फोर्स निकालनी हो, अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करें, दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, एंड theta इज 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? हाफ। सो दिस 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, कितना आ जाएगा? 2f² प्लस f² व्हिच इज √3f, और f हमने क्या अज्यूम किया हुआ है? 1/4πε0 q² / a² न्यूटन। सो दिस इज द वे लाइक वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एट पॉइंट b ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2 चार्जेस व्हिच इज कैप्ट एट a एंड c। अभी तो हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट किया है? मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ये दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मींस जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा? इन दो फोर्सेस को बाइसेक्ट करेगा। मींस ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ध्यान रखिए अगर 2 वेक्टर्स इक्वल है तो जो रिजल्टेंट होगा वो उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज करके इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, तो नेट फोर्स कितना आया? 30 डिग्री। और एल्स हम इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला
tan beta is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. So this is how we can find out the net force at point B due to the principle of superposition. Now let's move to the second example. अब देखिए यहाँ पर हमने four charges ले रखे हैं, which all are equal in magnitude. And let's suppose इनके बीच में distance कितना है a. अब अगर ये a है, तो by Pythagoras theorem ये distance कितना होगा root 2a. Okay? अब देखिए as per again principle of superposition, B point पर net force निकालते हैं. तो सबसे पहले हम direction show करेंगे. तो देखिए B point पर इस a के द्वारा force कहाँ लग रही है इधर, because दोनों क्या हैं? सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो रिपेल करेंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. एंड यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. राइट, सेकेंड स्टेप, इनके मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे. तो एफ बी ए कितना होगा एज पर कूलम्स लॉ, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर विद यूनिट न्यूटन. Similarly, FPC, अगर हम find out करें, तो 1/4πε0 Q into Q by A square Newton, and then force on B due to D, FBD, will be 1/4πε0 Q into Q by this distance, which is root 2A square, which is Q square upon 4πε0, 2A square Newton. Now, for the sake of simplicity, हम assume कर लेते हैं कि ये force अगर F है, तो ये भी कितनी होगी? F. एंड ये कितनी होगी, एफ बाय टू, बिकॉज देखिए ये मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ टू का डिफरेंस है. तो इस सब वैल्यूज को मैं एफ एज्यूम कर सकता हूं और टू को नीचे लिख रहा हूं, दिस इज एफ बाय टू. अब देखिए इसी को अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें, सिर्फ इस पार्ट को, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, यहां पर हम शो करते हैं. तो ये फोर्स हमने क्या ली हुई है, एफ. इस फोर्स को भी क्या लिया है, एफ. और ये वैल्यू हमने कितनी ली है, f by 2. एंड ये एंगल कितना है, 45 डिग्री. अब इसको हम रिजोल्व करेंगे इन द टू डायरेक्शन. देखिए हमने फर्स्ट एग्जांपल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से किया था. अब मैं जो सेकंड एग्जांपल है थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं. इसे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि इसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से करें, ताकि आपको एक और तरीका मालूम चले कि कैसे नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं. तो यहां पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएं, तो मैंने इस f by 2 को टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है. तो इसको इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, f by 2 cos 45 डिग्री. f तो यहां पर है ही, इसको हमने रिजोल्व किया, तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, f by 2 cos 45 डिग्री. और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू इट, f by 2 sin 45 डिग्री. तो जैसे ही हमने इसे रिजोल्व किया, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया. इसका मतलब सिर्फ टू वेक्टर्स हैं. इसकी वैल्यू कितनी होगी, f तो है ही ऑलरेडी, और f by 2 cos 45 कितना होता है, f by 2 root 2. तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनको ऐड कर सकते हैं, which is f plus f by 2 root 2. Similarly, f और f by 2 root 2, they both are in the same direction, तो इन्हें ऐड कर सकते हैं, which is f plus f by 2 root 2. तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे, which is root, this is a square plus b square. क्योंकि कभी भी अगर टू वेक्टर्स हमें गिवन है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a square plus b square. तो यहां पर a और b दोनों इक्वल हैं, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1, which is root 2. तो मींस यहां पर अगर हम f की वैल्यू पुट करें, तो हम नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो यहां से सेकंड पार्ट, अगर हमें बोलते हैं कि डायरेक्शन फाइंड आउट करें, तो डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल है, तो क्या होता है, ये जो रिजल्टेंट है, इसे बाइसेक्ट करता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो आई होप दिस एग्जाम्पल इज नाउ क्लियर टू यू. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, काइंडली मेल मी at msphysicsclasses@gmail.com. Thank you.